महेश जोशी राजस्थान सरकार में पीएचई मंत्री। पिछले 3 दशकों से राजनीति में सक्रिय महेश जोशी की गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती है। जोशी 2 बार विधायक और 1 बार सांसद का चुनाव जीते हैं। जोशी ने पहला चुनाव साल 2003 में जयपुर की किशनपुर विधानसभा सीट से लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2009 में वो जयपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 2018 में एक बार फिर जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से चुनाव जीते। जोशी की विधानसभा सीट पर इस समय उनकी क्या स्थिति है, ये जानने के लिए द सूत्र ने उनके क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार और बुद्धिजीवियों से पूछे 9 सवाल। सवाल नंबर 1, मंत्री की क्षेत्र में सक्रियता कैसी है? इस सवाल के जवाब में 51% लोगों ने कहा बेहद सक्रिय रहे। सवाल नंबर 2, मंत्री बनने के बाद उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन देखते हैं? 46% लोग बोले बिल्कुल नहीं बदला। सवाल नंबर 3, क्या मंत्री के साथ किसी तरह के विवाद भी जुड़े हैं? 64% लोगों ने कहा विवादित छवि नहीं है। सवाल नंबर 4, क्या मंत्री ने अपने क्षेत्र को कोई बड़ी सौगात दी है? 45% ने कहा क्षेत्र में ठीक ठाक विकास हुआ है। सवाल नंबर 5, क्षेत्र में मंत्री की छवि कैसी है? 53% लोग बोले बेहद ईमानदार छवि है। सवाल नंबर 6, क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने में आपके मंत्री कितने सफल रहे? 30% ने कहा युवाओं को मुश्किल से रोजगार मिल रहा है। सवाल नंबर 7, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में आपके मंत्री कितने सफल रहे? 49% ने कहा लोग अभी भी परेशान हैं, किसी को लाभ नहीं मिला। सवाल नंबर 8, सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम महंगाई राहत शिविरों में आपके मंत्री की सक्रियता किस स्तर पर रही है? 42% लोगों ने कहा योजनाओं का लाभ लोगों को ठीक ठाक ही मिला। सवाल नंबर 9, क्या मंत्री जी अपनी सीट बचा पाएंगे? 56% लोगों ने कहा हाँ सीट बचा लेंगे। यानी महेश जोशी की सक्रियता और उनकी छवि को लेकर लोगों को कोई परेशानी नहीं है। हालांकि महेश जोशी पिछले 1 साल से विवादों में जरूर हैं, लेकिन ये विवाद उनके खुद के नहीं है। राजस्थान के सियासी संकट के दौरान भी वो अहम भूमिका में रहे हैं। मौजूदा हालात में जोशी अपनी सीट एक बार फिर जीत सकते हैं, मगर चुनाव में अभी भी वक्त है और ये विश्लेषण मौजूदा हालातों पर है। चुनाव आते आते स्थितियां बदल भी सकती हैं।